मन में थॉट्स नहीं आते, थॉट्स ही मन है, मन और थॉट्स एक ही है। थॉट नहीं है तो मन भी नहीं है, ये सोचना कि मन है और उसमें थॉट्स आते हैं, नहीं ऐसा है नहीं, मन ही थॉट्स है। अगर विचार ना हो तो मन कहीं नहीं है, विचार ना हो तो मन कहीं नहीं है। और ये बात बहुत दूर तक जाती है, इसका अर्थ ये है कि अब उदाहरण के लिए हमारी सारी पहचान एक विचार है, हमको लगता है कि पहचान तो लगातार है। सच ये है कि पहचान सिर्फ तभी है जब आप सोच रहे हो कि वो आपकी एक पहचान है, आइडेंटिटी है। देखिए हमारा रोजमर्रा का अनुभव ये है कि हमारे पास पैसे हैं, हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो पाते हैं कि दोबारा वो पैसे हमारे पास कायम है। ये तो होता है ना, सत्य इससे थोड़ा सा विपरीत है। जब आप सो जाते हैं उस समय सब विलीन ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि आप सोए हुए हैं और वो सब है अभी, ऐसा नहीं होता है। हालांकि जब आप सो के उठते हैं और सब कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है जैसा कि स्मृति ने कुछ घंटों पहले देखा था, तो लगता है ऐसा ही है कि जैसे बाहर एक कंटिन्यूटी चल रही है उसके बीच में मैं सो गया था। भ्रम हमें यह होता है कि बाहर जो कुछ चल रहा है उसमें एक निरंतरता है, उसके बीच में बस मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, और जब मैं वापस उठाऊँ तो सब कुछ वैसे का वैसा है जैसा सोने से पहले था। तात्विक रूप से देखें तो ऐसा हो नहीं रहा है, वो असल में ये रहा है कि जैसे ही विचार लुप्त हुआ है संसार लुप्त हो गया है। मन और संसार दोनों विचार के अलावा और कुछ नहीं है। ये ईगो के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा हम्बलिंग रियलाइजेशन है, क्योंकि हम इसी आधार पर जिंदा हैं कि कुछ तो है बाहर जो असली है। हम लगातार इसी आधार पर जिंदा हैं कि बाहर जो कुछ है वो असली है, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते नाते, रुपया पैसा, ये सब कुछ जो बाहर है वो असली है।